मुझे मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अक्सर मैसेज आते हैं, मैम मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे अर्जेंट इंग्लिश बोलना सीखना है, पर मुझे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आता। क्या आपको भी अर्जेंट इंग्लिश बोलना सीखना है? 21 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश? तब तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना ही मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिससे मैं ये कर पाऊँ, और ना ही ऐसा कुछ होता है कि आप 21 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाएं। पर मेरे पास मेरा अपना एक्सपीरियंस है लगभग 5 सालों का, जिसके थ्रू मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखाया है। वही स्ट्रैटेजी मैं आज आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लव टू लर्न। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हर किसी के लिए इंग्लिश बोलने या इंग्लिश सीखने की अप्रोच अलग अलग होगी, हर कोई सेम अप्रोच फॉलो नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को देखते वक्त सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अभी आपका लेवल क्या है। जो ये तीन कैटेगरी मैं आगे बताने वाली हूँ, इन तीनों कैटेगरीज में से आप किस कैटेगरी में आते हैं? सबसे पहले आप इंग्लिश लिख लेते हैं, थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, पर आप फ्लुएंट नहीं है, फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है। दूसरी कैटेगरी, आप इंग्लिश लिख लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं लिख पाते, शब्द आपके मुंह से निकलते नहीं जब आप बोलते हैं, उस वक्त ना आपके मुंह से शब्द निकलते हैं ना ही आपके मुंह से सेंटेंसेस निकलते हैं, लेकिन आप ठीक ठाक तरह से लिख लेते हैं। तीसरी कैटेगरी, ना तो आप लिख पाते हैं और ना ही आप इंग्लिश बोल पाते हैं। देखिए, अगर आप पहली कैटेगरी में हैं तब आप इस वीडियो को जाके देखिए। यहाँ मैंने 30 डेज का चैलेंज आपको दिया है, इस चैलेंज को लीजिए। आई कैन अश्योर यू कि आप इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, बस जो भी मैंने आपको कहा है इस वीडियो में वो आपको करना है। तीसरी कैटेगरी के लोगों के लिए वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर आपको मिलेगा हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग। अब मैं बात करती हूँ दूसरी कैटेगरी के लोगों की, जो इंग्लिश बोलते वक्त बहुत अटकते हैं, जिनके दिमाग में न वर्ड्स आते हैं न सेंटेंस ठीक तरह से बना पाते हैं। आपके दिमाग में और आपके मुंह पर खुद ब खुद वर्ड्स आए, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंग्लिश के एनवायरमेंट से घेर के रखना पड़ेगा। और ये सब आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको इंग्लिश मूवीज देखनी होगी, इंग्लिश की बुक्स पढ़नी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। अगर आपको इंग्लिश मूवीज नहीं समझ आती तो आप सबटाइटल्स ऑन करके देखिए। जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है, भले ही वो मूवी हो, भले ही वो बुक हो या न्यूज़पेपर हो, जिसमें भी जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसी को आप इंग्लिश में कीजिए। इससे आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। यहाँ पर आप एक गलती करते हैं, जब आप किसी को बोलते देखते हैं फ्लुएंट तो आप खुद को उससे कंपेयर करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। पर आप ये भूल जाते हैं कि उस फ्लुएंसी के पीछे उसने कितनी मेहनत की है, आप उसके एफर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं देखते। शुरुआत में आप अटकोगे भी और आपसे गलती भी होगी, जो कि एकदम नॉर्मल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसी गलती को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरी ग्रामर की गलती हो रही है, मैं टेंस में मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप उसको एक बार बैठकर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर आप बार बार वही गलती करोगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे और वहीं वहीं गोल गोल घूमते रहोगे। तो आप रियली अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो जो भी आपकी वीकनेस है, जो कि हर किसी की अलग अलग हो सकती है, किसी की ग्रामर, किसी की वोकैबुलरी, तो आपको उस पर काम करना है। मैं यहाँ आपको तीन ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जिन पर आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। यही टॉपिक इसलिए चूज करने हैं कि ये सबसे इजी होते हैं, यहाँ सेंटेंस में बहुत कुछ लगता नहीं है। जब आप इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे तो आपको सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाने हैं, यानी वर्ब सब्जेक्ट लेना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है। तो टॉपिक्स कुछ इस तरह हैं, माय मेमोरेबल बर्थडे, माय लास्ट वीकेंड ट्रिप, और हाउ डिड आई स्पेंड माय लास्ट वीकेंड, और माय मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप। ये ही तीन टॉपिक में अगर आप बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, खुद को रिकॉर्ड करके सुन भी सकते हैं आप कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा है जो आपसे अच्छी इंग्लिश बोलता है तो आप उसे भी सुना सकते हैं, वो हो सकता है आपकी मदद कर दे गलतियां बताने में। अब आप प्रैक्टिस करोगे कहाँ? प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियो में लिंक दिया हुआ है, बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, आप चाहो तो वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो शुरुआत तो आपको बोलने से ही करनी पड़ेगी, और अपने लिए एक मंथ का टाइम डिसाइड करो कि मुझे खुद को जहाँ आज आप हो उस लेवल से एक लेवल ऊपर लेकर जाना है, वो भी एक मंथ में। जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको एक मंथ में उसमें इम्प्रूवमेंट दिखता है तो आप उसे कंटिन्यू रखो। हाल ही मैंने एक व्लॉग शूट किया, हम कहीं गए हुए थे, वहाँ मुझे एक दादा मिले,
जो कि जो एक तरह से गाइड का काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कितने तरह की लैंग्वेज बोल लेते हैं। उन्होंने कहा मैं 6 तरह की लैंग्वेज बोल लेता हूँ। तो मैंने कहा इंग्लिश, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा वो तो पानी की तरह मुंह से निकलती है। तो मैंने कहा ठीक है फिर मुझे बोल कर दिखाइए। मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो उनसे बात करे। So I want to know about you. This is starting cue number one. As a looking at cue number one, here the painting. Okay. This beautiful cue is of the Padma Pani, Vajra Pani. Okay. And second period, the 4 years, the one here, this outset wall. Okay. And this painting is very beautiful, nice. Very happy Ajanta, nice. The first painting we see before Christ. Okay. 2000 years old Ajanta. Yes, but okay. Cue number two, this nice cue after Mahamaya. Okay. Mahamaya I am looking for take it here the Buddha Jalam. This painting cue number two, this set has a word. Mahamaya very famous. Cue number two, painting very famous. Mahamaya. जब उन्होंने बोला तो मैंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए जो जरूरी है वो सीख लिया है। उन्होंने लोगों से शब्द उठा उठा कर शब्द के थ्रू अपनी बात को कैसे समझाना है ये सीख लिया है। तो वो सेंटेंस नहीं बोलते हैं, वो शब्द कहते हैं और अपनी बात अच्छी तरह समझा लेते हैं जो उनके लिए सफिशियंट है। अब आपको ये तय करना है कि आपको कैसे सीखनी है। क्या आप भी इसी तरह की इंग्लिश बोलना चाहते हो कि शब्द 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 बोल रहे हो और सामने वाला आपकी बात समझ जाए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है? या फिर आप प्रॉपर लैंग्वेज की तरह इस लैंग्वेज को बोलना चाहते हो, जहाँ पर हम जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में हम थोड़ी व्याकरण लगाते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसी तरह इंग्लिश की भी कुछ कॉन्सेप्ट कुछ व्याकरण होती है जो आपको आनी चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से इंग्लिश बोलना चाहते हो। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश के एनवायरनमेंट से खुद को सराउंड करोगे, इंग्लिश में अपने आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से इंग्लिश में सोचना नहीं है, वो जो थॉट्स हैं जो भी आप बोलना चाहते हो वो सेंटेंसेस ऑफ वर्ड्स खुद ब खुद मुंह से निकलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी रीडिंग, बहुत सारी बुक्स देखना करना पड़ेगा। छोटे बच्चे किस तरह से इंग्लिश सीखते हैं, वो कार्टून देखते हैं इंग्लिश में, और जब वही चीज़ वो रोज़ दो दो तीन तीन घंटे करते हैं तो वो एक्सेंट भी समझने लगते हैं। भले ही उनके घर पे किसी को इंग्लिश आती हो या ना आती हो, पर वो इंग्लिश बोलने भी लगते हैं। तो वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। तो अगर आप सच में सीरियस हैं, अपने लिए टाइम लाइन डिसाइड कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। जल्दी मिलूंगी मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।